नमस्कार, मैं मीरा जाटो खबर लहरिया से। आइए आज 4 जून की दिन भर की मुख्य खबरें सुनते हैं। बांदा जिला में दहेज लोभियों ससुराल वालों ने गर्भवती बहू की ली जान। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि हमारी लड़की से हमेशा दहेज की मांग की जाती थी, मांग पूरी न होने पर ले ली जान। चित्रकूट जिले में जमीन के विवाद पर चकबंदी अधिकारी को LIC तिराहे पर दबंगों ने दिन दहाड़े लाठी डंडों से पीटा है। चकबंदी अधिकारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी सरकार महोबा जिला में खड़े नहीं उतर रहे। जिला पंचायत के खनिज बैरियर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक युवक ने नेता द्वारा कथित तौर पर सत्ता की हनक का बेखौर इस्तेमाल किया जा रहा है। चित्रकूट जिले में एक हफ्ते से लाखों की चोरी हो रही है, पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। बनारस जिला में छेड़खानी के विरोध पर कार सवार लड़की को पीटा, पुलिस के पहुंचने के पहले भागे चले। यह घटना लंका के गणेश धाम कॉलोनी निवास की है। भाजपा नेता सावित्रीबाई फुले पिछले कुछ दिनों से पार्टी के खिलाफ बागवती तेवर अपनाए हुए हैं। दलितों, पिछड़ों, संविधान और जिन्ना जैसे तमाम मुद्दों पर वह पार्टी के रूप से अलग लगातार बयान दे रही हैं। बैंकों की मुक्त सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखे जाने सहित आज की प्रमुख सुर्खियां। मध्य प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाताओं के होने की बात सामने आई है। इस खबर को आज के कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। कांग्रेस ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर मतदाता सूची में धांधली करने का आरोप लगाया है। ताजमहल के बदलते रंग पर चिंता जाहिर किए जाने के करीब एक महीने बाद केंद्र सरकार ने इस बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन कराने का फैसला किया है। वरिष्ठ लेखक और पत्रकार राजकिशोर का सोमवार सुबह दिल्ली में निधन हो गया। यह 71 वर्ष के थे। राजकिशोर पिछले कई दिनों से फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी से जूझ रहे थे। 31 मई को पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के विकास आंकड़े जारी किए गए। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान अर्थव्यवस्था की हकीकत का पूरा ब्यौरा अब सार्वजनिक हो गया है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय CSO ने ये आंकड़े जारी करते हुए गुरुवार को बताया कि जनवरी से मार्च 2018 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.7% रही। ये रही आज की दिन भर की मुख्य खबरें। कल की मुख्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।